उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस समय क्लास में उपलब्ध हैं। फीडबैक थोड़ा मिल जाता है मुझे कि आप सभी क्लास में हैं। और जो कल हमने आपको सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण को एक ब्रीफ दिया था, आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एक आप कह सकते हैं कि ऐसा एक डिजाइन प्रोसेस है सिविल सर्विसेज या पीसीएस के कंपटीशन जो प्रीलिम्स में भी बहुत ही निर्णायक है और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीलिम्स में निर्णायक इसलिए कह सकते हैं कि अगर पीछे के प्रश्नों में जाएंगे तो एनसीएंट का हालांकि इस साल थोड़ा प्रश्न 2019 में आ गया था ठीक ठाक, दो तीन मिडवेल इंडिया से मिल गए थे, लेकिन जो एक कंडीशनल एस्पेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेकर, वो कहीं ना कहीं जैसे 12 क्वेश्चन अगर पूरे भारतीय इतिहास का है तो आपको 7 से 8 सवाल कम से कम इंडियन नेशनल मूवमेंट से मिलता है। उसमें आप एक दो सवाल को अगर चाहें तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत से भी जुड़ जाते हैं तो इसकी संख्या 10 भी हो जाती है, और एंशियंट मिडवेल से 2-3 सवाल ही होते हैं। इस बार एक्सेप्शनली कई सालों के बाद एंशियंट के सवाल ज्यादा थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इतिहास पूरा पढ़िए और आप एक मतलब एक बेहतर जोन में रखिए हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें थोड़े उलट फोर होने की संभावना रहती है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमेशा अपने पास पूरे मतलब किसी भी फॉर्म में पूरी प्रिपरेशन के साथ रहना चाहिए। मैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की चर्चा तक कर लिया था। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हम इसमें जो कड़ीबद्ध तरीके से आते हैं, आज मैं कड़ीबद्ध तरीके से आपको 1947 तक का हिस्ट्री पूरा बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ नोट करा देंगे आपको। मैंने 1857 का बताया, उसके बाद आप देखेंगे 1868 में एक एक्ट आता है, उस एक्ट के परिवर्तन के साथ क्या क्या मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस एक्ट की क्या वैल्यू है, 1861 का जो एक्ट है उसका क्या वैल्यू है। उसके बाद आप आगे चल के चलेंगे, वो परिषद एक्ट, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम, एक होता है भारतीय परिषद। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं आप जैसे आएंगे 1885, हालांकि बीच का जो पूरे हिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है औपनिवेशिक सत्ता के दौर में आदिवासियों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, भार सिपाहियों का आंदोलन और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, आप ये समझ लीजिएगा कि ये मील के पत्थर थे भारत की आजादी। और जब राजनीतिक चेतना का संकल्प आया, इस बीच में हम चर्चा कर लेंगे और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उसके पॉइंटेड एस्पेक्ट है, जैसे वर्नाकुलर एक्ट वगैरह की बात करेंगे, रनाडे साहब की जो 1867 के अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी किताब आई थी जो कई मतलब बताया गया कि भारत भारतीय का शोषण अंग्रेज कैसे कर रहे हैं, फिर आप इस तरीके से लॉर्ड रिपन वगैरह की चर्चा करते हुए जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 1882 वगैरह की बात करेंगे, जनगणना की जो शुरुआत की बात है उसकी भी बात कर लेंगे। यानी कि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पर थोड़ा जोर देना चाह रहा हूँ, अभी हम सामाजिक धार्मिक पे भी है, आदिवासी और जैसे हमने कहा किसान आंदोलनों का एक संदर्भ है, लेकिन अभी जो मैं ये लेक्चर ब्रीफ कर रहा हूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई रिलीजियस ग्राउंड नहीं है, कोई सोशल ग्राउंड नहीं है, कोई वैज्ञानिक यानी कि साइंस ओरिएंटेड कोई ग्राउंड नहीं है, ओनली ए पॉलिटिकल ग्राउंड कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो औपनिवेशिक सत्ता में जब भारत था, भारत की जो अड़चने थी वो क्या दूर हो रही थी या अड़चनों में औपनिवेशिक सत्ता अड़चनों को पैदा कर रहा था। 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन देखते हैं जो कि एक मैंने आपको बोला होगा एओ ह्यूम का नाम सुना होगा, एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो कि रिटायर्ड थे, उन्होंने इसको गठन किया था, और WC बनर्जी का नाम आपने सुना होगा, वो पहले इसके अध्यक्ष हो। ये क्रमिक तौर पर आप देखते आएंगे तो इसके पीछे की क्या फिलॉसफी थी, कांग्रेस के गठन के पीछे क्या दर्शन था। इसलिए कांग्रेस के गठन को एक प्रकार से औपनिवेशिक सत्ता के लोग, अंग्रेज लोग एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। आपको एक एग्जाम्पल देने से क्यों पता है, जब उसमें हम लोग दाल चावल पकाते हैं तो एक सेफ्टी वॉल्व होता है, सीटी बज जाती है जब प्रेशर आता है, लेकिन सेफ्टी वॉल्व होता है कि अगर किसी कारण से सीटी न बजी तो वो सेफ्टी वॉल्व निकल जाएगा और ऊपर फटने से बच जाएगा।
तो आपने कभी गौर किया होगा कि जब मैं लेक्चर देते समय बात हमेशा कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो संघर्ष था, मतलब भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष जो सिपाही विद्रोह मेरठ का था, वो भले ही लोग कहते हैं कि असफलता के ये कारण थे, हमने फिर बता दो कि सफलता सफल नहीं था, उसके कई कारण हो सकते हैं और है, लेकिन उसकी सफलता तो उस समय लोगों ने कहा ना ये कारण थे वो कारण थे असफल होने के, लेकिन मैं उसकी सफलता का कारण बताऊ, वो सफल था कैसे सफल था? अंग्रेजों का दिमाग हिला दिया कि अगर हम छोटे छोटे विद्रोहों में आंदोलनों में फंस जाएंगे, और ये तो होते रहेंगे, कभी किसानों का हो रहा, कभी आदिवासियों का हो रहा, कभी सिपाहियों का हो रहा, कभी सन्यासियों का हो रहा, कभी सामाजिक हो रहा, कभी धार्मिक हो रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी सेफ्टी वॉल्व उसको बनाने की, कि छोटे छोटे आंदोलनों के बजाय इसके नेतृत्वकर्ताओं से सीधे बातचीत करके कई समाधान को प्राप्त कर, ये मोटा मोटी एक फिलॉसफी कांग्रेस के ये अंग्रेजों की थी। उसके बाद आप आएंगे क्रमिक तौर पे, उसमें देखेंगे कि इस दौर में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौर में बहुत सारे लिबरल मानसिकता के लीडरशिप थे उसमें, और ये 1905 तक चला, यानी कि 20 वर्ष तक, 1885 से लेकर 1905 तक एक लिबरल फिलॉसफी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर थी। जैसा कि बाद में जो गरम दल थे, इनको नरम दल कह लीजिए लिबरल लोगों को, तो जो गरम दल आया था उसकी ये अपनी टेंडेंसी थी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब ये दृष्टिकोण सामने आया। आप देखेंगे कि भले ही वो फिलॉसफी नरम थी, भले ही वो फिलॉसफी लिबरल थी, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर बजट पे आपको बहस का अधिकार, आप 1892 वगैरह की बात कर, आप जरा जाके देखिए, सवाल पूछने के लिए बात करिए, आगे चलिए सवाल पूछना, बजट पे बहस करना, ये सब अधिकार भारतीय को थे नहीं, ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बात करता हूं। और जिस तरीके से एक जैसे कहा जाए कि कभी कभी आप शांति से और सुसंगठित और सद्भावना के साथ किसी कार्य को अंजाम देने चलते हैं तो वक्त लंबा लगता है, लेकिन लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है। जब लॉर्ड कर्जन आया तो उसने एक प्रकार से, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि 1799 में लॉर्ड विलियली आया था, जो कि एक प्रकार से कहें कि 19वीं सदी के बिल्कुल प्रारंभ में लॉर्ड विंडली आया, और लॉर्ड विंडली 1805 तक था एक इतिहास रचा सिविल सेवा के क्षेत्र। लॉर्ड कर्जन 20वीं सदी के कगार पर आया और उसने एक इतिहास रचा भारत के विभाजन, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा, यह बंटवारे का बहाना था, जैसे हमने बोला लॉर्ड विलियली का एग्जांपल दिया, लॉर्ड विलियली ने इतिहास रचा प्रशासन, हालांकि लॉर्ड विलियली के पढ़ेंगे तो उनको सिविल सर्वेंट के फेलियर आया, तो सिविल सर्वेंट था बट इंग्लैंड में फेलियर था, काम वो उसके पसंद नहीं करते थे, एक बार वो बड़ा निराश हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो अपने एक मित्र से बोला यार मैं कोई भी प्लान करता हूँ, कोई भी एग्जीक्यूशन करता हूँ, लोग हमारे ही खिलाफ बोलने लगते। तब उसके मित्र ने कहा कि तुम्हारी विजली तुम्हारी सोच के आगे इंग्लैंड की जमीन छोटी पड़ी, और जब उसको भारतीय महाद्वीप मिला तो उसने साबित भी किया कि वाकई में इंग्लैंड की जमीन उसकी सोच के हिसाब से छोटी थी। लॉर्ड कर्जन भी दिमाग तो ठीक था बट वो था तो अंग्रेजी, जब बंगाल का विभाजन किया पूर्वी और पश्चिम बंगाल, तो उसने हवाला दिया कि बंगाल का प्रशासनिक संदर्भ से उसको निभा पाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय करीब 7.5 करोड़ के आसपास बंगाल में पॉपुलेशन थी। लेकिन इसके पीछे का रहस्य आप पढ़ेंगे और डिटेल तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके पीछे का रहस्य यह था कि जिस तरीके से भारत में आंदोलनों की एक प्रथा शुरू हुई, और बंगाल को आप आंदोलनों की जननी कह सकते, बंगाल में आप दमदम की बात करें, बैरकपुर की बात करें, जहां पर सिपाहियों ने छोटे छोटे अपने विद्रोह किए और छावनियां भी बंद हुई,
वो सब बंगाल में, और बंगाल में जिसका पंजाब में फिरोजपुर वगैरह में सब असर था, और होते हवाते वहां से आप देखिए कि मेरठ आया था जो 1857 का। बंगाल एक प्रकार से आंदोलन की जननी थी, और कर्जन के दिमाग में यह था कि अगर बंगाल को हमने तोड़ दिया तो आंदोलन को कहीं ना कहीं हम झटका दे सकते और भारत पर राज करना आसान। और यही आधार देकर कि प्रशासनिक समस्याओं के कारण उसने इसको बंटवारा किया, जबकि भारतीय समझते थे कि हिंदू मुस्लिम टूट जाए और देश की जो आंदोलन की व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाए, ये कर्जन के दिमाग। तो इस पर भी यहां पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि जो 1885 का कांग्रेस थी जिसमें एक नरम एक उदार विचारधारा के लोग की बात कर रहे थे, उन लोगों के दौर में यह आरोप लगा कि आपने 20 सालों के भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अंग्रेजों से तो कुछ मिला नहीं, भिखारियों की तरह आप कटोरा लेके खड़े रहे, आफ्टर ऑल बंगाल को विभाजन मतलब मिला भी तो कुछ नहीं तोड़। और 1907 में आप जाएंगे, इसको लेकर के बहुत आंदोलन हुए, आपको मैं जब डिटेल लिखाने लगूंगा तो और चर्चा करूंगा, अभी मैं 47 तक थोड़ा देता हूँ। तो उसमें आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि कहा जाए कि एक दूसरे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथ में राखी बांध रहे कि नहीं साहब हम एक है, एकजुटता दिखाया गया, मतलब बड़ा आंदोलन हुआ इसको लेकर के, बड़ा इस पर फर्क पड़ा। बाद में एकीकरण 1911 में इसका एकीकरण हो गया बंगाल। इससे एक आगे चल के कांग्रेस के लिए राह कठिन हो गया। देखिए मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस और बीजेपी करूँ, कांग्रेस उस समय कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का छतरी, और कांग्रेस कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आप समझ रहे हैं। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह की भी चर्चाएं होंगी, लेकिन कम्युनिस्ट की अलग धारणा थी। तो जो 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई, नरम दल वाला चाहता था तो उसका प्रेसिडेंट बने, गरम दल वाला चाहता था ये प्रेसिडेंट बने, रास बिहारी बोस वैसे प्रेसिडेंट थे, गरम दल थे। बस समझ, तो यहां से कांग्रेस दो फाड़ों में पड़ गई। अब कांग्रेस में दो पार्टी हो गई, चलिए यहां से कांग्रेस छोड़ देते हैं, सबकी अपनी राह है भाई। आप देखेंगे 1909 आई, हालांकि 1908 में भी आएंगे, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति की जेल हुई वो बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में चौकब छोटे, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे ले कर रहे, ये बाल गंगाधर तिलक ने। 1909 आएंगे तो भारत शासन अधिनियम मिले, ये फूट डालो और राज करो की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी का डिटेल जब हम राइटिंग कराएंगे कुछ और समझा देंगे, बस इसका जो चरम है, जैसे हर चीज का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि किसी को किस नाम से जाने, जैसे एक पूरी पिक्चर होती है ना एक टाइटल होता है, उस टाइटल से थोड़ा अंदाजा लग सकता है इस पिक्चर में क्या होगा। जैसे रोबोट, कहा जाए पिक्चर का नाम है रोबोट, रोबोट में आप क्या समझेंगे, रोबोट रोबोट होंगे, अब कहानी किस तरीके का है इसको अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, बट रोबोट तो होंगे रोबोट। जैसे कहा जाए जंगल की कहानी तो इसका मतलब भालू कुछ तो दिखेंगे उसमें, अब क्यों दिख रहे हैं कैसे दिखाया जाएगा ये मुद्दा हो सकता है, बट अंदाजा है। तो फूट डालो राज करो इसकी मतलब एक प्रकार से एजेंडा था। दो साल और आगे चलते हैं, मैं एक बात यहाँ आपको बड़े मजेदार बताऊ आप लोगों को, 1857 का विद्रोह ऑड नंबर, ठीक है, 1885 के कांग्रेस का गठन ऑड नंबर, 1905 में बंगाल का विभाजन ऑड नंबर, 1907 में कांग्रेस का बंटवारा ऑड नंबर, 1909 में भारत शासन जो अधिनियम आया, 1911 में बंगाल का एकीकरण ऑड नंबर, 1913 में गदर आंदोलन ऑड नंबर, 1915 में गांधी का ऑड नंबर, 1917 में चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह ऑड नंबर, 1919 का अधिनियम,
1935 का अधिनियम 1947 की आजादी और 15 तारीख 15 तक सब ऑर्डर हुआ। मतलब मैं ऐसे इंटरेस्ट कुछ बता दिया कि इतिहास हमारा जो बड़ी अमिट इतिहास है, अमिट इतिहास अक्षरों को लिखा गया, अमिट अक्षरों को उसको लिखा गया, उस सभी की तारीखें उस वर्ष ऑर्ड से। खैर तो इसमें मैं आगे बढ़ रहा था, 1911 में आएंगे तो बंगाल का एकीकरण हो जाता है, और जब 1912 में देखेंगे कलकत्ता से राजधानी दिल्ली चली गई थी। गदर आंदोलन की चर्चा करेंगे, बिल्कुल लाला हरदयाल वगैरह की चर्चा होगी गदर आंदोलन की, और फिर 1915 में गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन जब हुआ था तो वो दिन प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आज की तारीख में मनाते हैं, और इसका जो सिस्टमेटिक है देखे होंगे, दो दिवसीय प्रवासी सम्मेलन होता है, जो मूल भारतीय लोग थे जिनको नागरिकता वगैरह दी गई सबको बुलाया जाता है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो 2003 से आपने देखे होंगे संशोधन करके हमने ओवरसीज सिटीजनशिप भी दिया है, दोहरी नागरिकता, तब से देखे होंगे ये सब था। तो 1915 में गांधी का आगमन, गांधी का आगमन आप ऐसा समझिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्राम का एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा वर्ष है जहां से देश एक नए तरीके का आवरण लेता है। औपनिवेशिक सत्ता में देखिए कहा जाए, जैसे मैंने पहले बताया 1813 के चार्टर मगर ईसाई मिशनरीज भारत में आए, तो ईसाई मिशनरी जो पादरी जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अगर देश में आए, तो ऐसा नहीं था कि उनके प्रचार करने के तुलना में हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं था। एक प्रकार से अगर वो हमारे लिए चुनौती थे तो हमारी चुनौती से उनको चुनौती थी। तो गांधी जी के आगमन से फायदा ये था कि गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े थे, अफ्रीका के रंग भेद वगैरह उन्होंने, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी का जो पूरा स्वरूप था, पूरा जो संदर्भ था, वो दो दशक से अधिक अंग्रेजों से संघर्ष करने में निकल गया था, और वो दो दशक से अधिक का जो संघर्ष का जो फायदा था वो भारत की आजादी में मिलना था। गांधी जी 1915 से दो साल तक भारत भ्रमण किया, फिर चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था, नील की खेती को लेकर के किसान चावल की खेती चाहते थे, और अमेरिकन जो सॉरी यूरोपियन जो थे वो या जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि नील की खेती यानी व्यवसायिक खेती कराते थे। उसके बाद क्रमिक तौर पे देखेंगे, चाहे अहमदाबाद की बात हो जो मिल का प्रॉब्लम था, ऐसे करके गांधी जी का जो एक क्रमिक संदर्भ है उसमें गांधी जी की स्थापित यानी चंपारण से गांधी की स्थापना, आगमन और दो साल भ्रमण, चंपारण पहला सत्याग्रह जो उन्होंने स्थापित किया। इसी तरीके से आगे हम खिलाफत आंदोलन की चर्चा करेंगे, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की थी, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक समय देखा गया था, और हिंदू मुस्लिम एकता का बाकायदा इस्तेमाल गांधी ने किया, और इसी दौरान आप देखेंगे हम लोग रोलेट एक्ट वगैरह की बात करें। खिलाफत आंदोलन तो तुर्की के खलीफा की मान्यता के चलते विकसित हुआ, और हम लोग जो रोलेट एक्ट लाएंगे तो जिसको काला कानून बोलते हैं, वो काला कानून था, बिना अपील बिना दलील बिना वकील बिना अपील बिना दलील की सजा दे देना। अंग्रेजों के साथ एक ऐसा हथियार था, किसी को भी सजा दे, किसी भारतीय को पकड़ो जेल में डाल। यहां से स्थिति बदलती चली गई, और जलियांवाला बाग कांड, आज 14 अप्रैल है अगर आप याद होगा, तो इसी दौर में इसी अप्रैल के दौर में जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड में भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व समेत भारतीय शुभचिंतकों एक प्रकार से हिला के रख दिया। जनरल डायर का नाम सुना होगा, और जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में चीजों को उतारा गया है, और जिस तरीके से हम लोग इतिहास के पन्नों में इसको पढ़ते हैं,
और जिस के साथ विकसित होती है उसमें जलिया वाला कांड एक प्रकार से भले ही तात्कालिक परिस्थितियों में अंग्रेजों को एक विजय दिखाई दी हो, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए आज भी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा परास्त का एक कारण। जलियांवाला बाग कांड के लिए अभी भी अंग्रेज सद्बुद्धि में आता है तो हम किसी से माफी मंगवाई, उसके बाद आप जानते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी आंदोलन के बाद एक ऐसा शांति का संदर्भ लिया हुआ आंदोलन जिसका इनपुट और आउटपुट भारतीय एकता उसकी इनपुट थी और आउटपुट क्या था, गांधी जी मिला कुछ नहीं। इनपुट क्या था, एकाग्रता और एकता का प्रतीक असहयोग आंदोलन, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट ये हुआ कि गांधी जी को जेल हुई, फिर एक बार नाराजगी सुभाष चंद्र बोस हो, चित्तरंजन दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, सभी लोग को भाजन हुआ और गांधी जी को लानत मनानत हुई और कहीं ना कहीं एक मतलब जो एकाग्रता और एकता थी उसमें कहीं ना कहीं एक भेद पैदा हुआ और यही कारण था 1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का विश्वास खिल गया। सुभाष चंद्र बोस 1897 की पैदाइश से अगर 1921-22 से उनकी तुलना करके देखिए तो 25 बरस के थे और उस समय गांधी जी के बारे में उनकी राय जो थी वो विरोध में थी, सटिया गए हैं क्या। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हिमालय का अगर कन्याकुमारी का एक गांव जो है अगर कोई गलती करे तो हिमालय किसी दूसरे गांव को सजा क्यों भाई, आपको बताना चाहेंगे कि जिन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन को गांधी ने वापस लिया, गांधी की जगह अगर कोई भी लीडरशिप होता तो ये आंदोलन शायद वापस नहीं लेता। चौरी चौरा गोरखपुर में है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगी, 22-23 पुलिसकर्मी जल के मर गए उसके अंदर और गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि गांधी जिस सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने निकले थे क्या उसमें नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से फैल चुके आंदोलन को 22-23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु पर समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा का पुट था। अगर गांधी जी इस आंदोलन को एक्सेप्ट कर लेते, नहीं समाप्त करते, तो क्या ये व्यवस्था ये प्रॉब्लम्स नहीं थी गांधी के सामने, इधर ये जो स्थिति है कई अंग्रेजों के मन में उनके संदर्भ में उनके सोच उनके दृष्टिकोण में ये चीजें तूफान न मचाने लगे कि गांधी कहता तो अहिंसा की बात है लेकिन मानता नहीं है। वहां पर इतिहास को ठीक से पढ़े और उस समय की परिस्थिति को साथ में लेके चले तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि नाराज होने वाले गलत नहीं थे लेकिन असमंजस गांधी जी के सामने भी थे। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया, एक प्रकार से आंदोलन समाप्त किया, निर्णय एक हफ्ता पहले ही हुए और ये भी निर्णय लिया गया लालबाग। वहां से कहानी आगे बढ़ती है, गांधी जी को 6 बरस की जेल हो जाती है, फिर वो स्वास्थ्य के आधार पर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर इस समय 1923 में आपने देखा स्वराज पार्टी का गठन हो गया और स्वास्थ्य उनके खराब होने के कारण गांधी जी 1924 में बाहर आते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस का अध्यक्ष होने पर भी इतिहास में एक सवाल जिंदा होता है कि गांधी जैसे व्यक्तित्व को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की क्यों जरूरत पड़ी। गांधी तो स्वयं एक ऐसे छत्री थे, एक मुट्ठी बारूद से
कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करने का दावा करते थे, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन कालखंडों में ये बात ठीक है कि ये एक संत को, एक महात्मा को इस तरीके से किसी संगठन से जुड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं फिर यहाँ पर गांधी जी का ही बचाव करूंगा कि परिस्थितियों को हम साथ नहीं लाते हैं, हम सिर्फ इतिहास में घटी घटनाओं को साथ लाते हैं। उस समय की परिस्थितियां, जैसे हम चिंतक जब पढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि विचारक जो कह रहे हैं वो तो लिखा हुआ है, जो कहना चाहते थे वो कौन समझेगा, जो कहना चाहते हैं वो कौन समझेगा। चौरी चौरा का एक कांड अगर कई लोगों को लगता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था, तो ये प्रत्यक्ष कारण था। कई लोगों को लगता है गांधी जी ने यहां पर गलती की, आंदोलन वापस नहीं लेना था जब आंदोलन इतना बड़ा था। साफ है, ठीक है, आप ठीक बोल रहे, लेकिन कुछ बात तो गांधी जी का भी सच रहा होगा जो कहे ही नहीं आज तक। उस सच को समझने के लिए बहुत बड़े दर्शन और बड़ी सोच का विकास करना पड़ा। ठीक है, असहयोग आंदोलन समाप्त, चित्तरंजन दास एक नया संदर्भ लेकर के, मतलब मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी, फिर गांधी जी का जो संदर्भ आता है वो स्वच्छता, साफ सफाई, भेदभाव और मिटाने से जुड़ जाता है, क्योंकि एक आंदोलन में जब समाप्त होता है तो दूसरे आंदोलन के लिए ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है। और गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि देश की जनता में अगर एकता नहीं तो आंदोलन की सफलता नहीं। तो इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, स्वच्छता, साफ सफाई, एक दूसरे के भेदभाव, जात पात को, मतलब ऊंच नीच को खत्म करना, ये गांधी का सगल बना।